महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए मंदिरों में हुई पूजा। बॉलीवुड के बिग बी मुकद्दर के सिकंदर के कोरोना संक्रमित होने की खबर से उनके प्रशंसकों में भारी निराशा है। ऐसे में लोग विभिन्न तरीके से अपने चहेते सुपरस्टार के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में भी प्रशंसकों के द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की गई और जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की गई। कोरोना का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। आम से लेकर खास तक जरा सी चूक होते ही कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज सिने स्टार अमिताभ बच्चन भी कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपने पसंदीदा स्टार की कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की खबर पाकर बिग बी के प्रशंसकों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुरादाबाद में भी बॉलीवुड शहंशाह के प्रशंसकों की कमी नहीं है। यहाँ भी लोगों के द्वारा अपने पसंदीदा एक्टर के लिए प्रार्थनाएं की गईं। अमिताभ बच्चन के लिए मंदिरों में पहुंचकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। प्रशंसकों का कहना है कि बॉलीवुड शहंशाह के लिए मंदिर में पूजा अर्चना कर ईश्वर से कामना की गई कि जल्दी स्वस्थ हों और अपने घर वापस पहुंचे। हमें उम्मीद है कि जल्द बॉलीवुड के मुकद्दर के सिकंदर अमिताभ बच्चन स्वस्थ होकर घर वापसी करेंगे। मंदिर में आए हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री अभिषेक बच्चन जी जो कोरोना से ग्रस्त हैं, वो जल्द ही ठीक हों और घर वापस आ जाएं। आज हमने मंदिर में अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार अभिषेक बच्चन के दोनों के लिए जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, इसलिए हमने यहाँ आज मंदिर में प्रार्थना की है। बस यही है कहना कि भाई इसका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। मैंने सावन की इस ऋतु में मैंने श्री शिव जी की पूजा की है, जिससे श्री अमिताभ बच्चन जी, श्री अभिषेक बच्चन जी जो फिल्मी जगत के महानायक हैं, उनका स्वास्थ्य जल्दी ही सही हो। कोरोना के ब्रांड एम्बेसडर होते हुए भी वे भी कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की हालत ज़्यादा ख़राब चल रही है। लोग जिन सावधानियों को बताया जा रहा है उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सभी से मेरी यही उम्मीद है कि वे जितने भी सावधानियां कोरोना से संबंधित बताई गई हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बेवजह घर से ना निकलना, ये सभी इसका पालन करें, जिससे कि आगे कोई भविष्य में हमारे साथ ऐसी दुविधा ना आए कि हमारा कोई महानायक ऐसी कठिन बीमारी से जूझे।